हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। 5 दशकों तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहकर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रणब दा का लंबी बीमारी के बाद कल शाम निधन हो गया। प्रणब दा के संपर्क में जो भी आया वो उनको लेकर अपनी यादें साझा कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रणब दा 5 दशक तक भारतीय राजनीति पर एक सितारे की तरह चमचमाते रहे। उनके दोस्त केवल कांग्रेस में ही नहीं थे, वे भी कांग्रेस के ऐसे अजात शत्रु थे जिनके सभी पार्टियों में मित्र थे। भारत रत्न से उनको नवाजा गया था हाल ही में, और सबसे ज्यादा उनको कांग्रेस के बाहर भी बीजेपी उनका मुख्य विपक्षी दल रहा, वहां पर भी पसंद करने वाले लोग थे। प्रणब मुखर्जी के लिए कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर ऐसा कोई पद नहीं है, चाहे वो आरबीआई गवर्नर का हो, चाहे विदेश मंत्रालय का हो, या रक्षा मंत्रालय का हो, या फिर वित्त मंत्रालय का हो, ऐसा कोई कार्यभार नहीं है जो उन्होंने संभाला ना हो। राजनीति में ऐसे बहुत कम ही लोग बचे हैं जिन्हें उनके प्रतिद्वंदी भी सम्मान पूर्वक याद करते हैं, और उन्हीं में से एक थे प्रणब दा, जिनको आज उनके जाने के बाद हर किसी ने याद किया। 50 सालों तक राजनीति में रहकर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। हमारे सीधे लिए चलते हैं आपको जिनेंद्र के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जिनेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अस्पताल से, पार्थिव को कब ले जाया जाएगा घर? जी बिल्कुल कुमकुम, बीती शाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी अंतिम सांसें ली दिल्ली स्थित सेना के आरआर अस्पताल में, जहां पर कि वो पिछले करीब 3 हफ्ते से भर्ती थे और वेंटिलेटर पर थे, वो डीप कोमा में थे। बीते शाम उनका निधन हुआ। पार्थिव शरीर उनका रात के वक्त जो है वो हॉस्पिटल में ही रहा। सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर आरआर अस्पताल से राजा जी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर ले जाया जाएगा, जहां पर कि शुरुआती 1 से 1.5 घंटे जो है वो जो विशिष्ट अतिथि आएंगे वो उनका दर्शन करेंगे, और उसके बाद 11 से 12 के बीच में आम लोगों के लिए दर्शन जो है वहां पर। जैनेन्द्र, एक सवाल यहां पर ये भी है, जो आपने आम लोगों के दर्शन की बात कही, मन में ये सवाल उठता है, चूंकि प्रणब दा के बारे में बताया गया कि वो कोविड पॉजिटिव थे, आखिर वक्त तक जब उनकी टेस्ट किए गए तो वो कोविड पॉजिटिव ही थे, ऐसे में प्रोटोकॉल क्या कहता है, जो अंतिम दर्शन है उसके लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम दर्शन के लिए जो निर्देश दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। प्रतिमा, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अंतिम दर्शन होगा। जाहिर सी बात है अगर ये आम दिन होता तो प्रणब मुखर्जी के जितने चाहने वाले हैं आखिरी विदाई देने के लिए शायद हजारों की भीड़ उनके उनके अंतिम यात्रा में उमड़ती, लेकिन जाहिर सी बात है जिस हालात का सामना देश और दुनिया कर रही है हम सब वाकिफ हैं, तो भीड़ जो है वो ज्यादा नहीं रहेगी, और जो भीड़ रहेगी वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी। और वही मैं आपको बता रहा था कि 8 बजे के करीब उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर आ जाएगा। इसके बाद 9 बजे से जो है उनका अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। शुरुआत में विशिष्ट अतिथि जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि नेता जो है वो पहुंचेंगे, और उसके बाद 11 से 12 तक आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे, और 2 बजे लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में प्रणब मुखर्जी को आखिरी विदाई दी जाएगी। जी प्रतिमा। जिनेंद्र, आप कांग्रेस कवर करते हैं, कांग्रेस के अजय नेता थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद छोड़कर उन्होंने लगभग हर पद को एंजॉय किया और हर पद पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। आपकी कई नेताओं से बात हुई होगी जिन्होंने अपने अपने अनुभव प्रणब दा के साथ साझा किए होंगे, कौन सी बात आपको किस नेता की सबसे ज्यादा भाई प्रणब दा के साथ उनके अनुभव? बिल्कुल, हर नेता का अपना अनुभव रहा है प्रणब दा को लेकर के, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो है प्रणब मुखर्जी का जो विशाल अनुभव रहा प्रशासन का और सार्वजनिक जीवन का, बंगाल के एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक की जो उनकी यात्रा रही, और उसके पहले एक लंबा करियर सांसद के तौर पर, मंत्री के तौर पर, पार्टी के नेता के तौर पर, कुशल प्रशासक के तौर पर, संकट मोचक के तौर पर, तो ज्यादातर जो अनुभव है उनसे जुड़े हुए लोग यही बताते हैं कि किस तरीके से मुश्किल हालात में भी प्रणब मुखर्जी जो है वो एक रास्ता निकाल लेते थे। उनकी एक शालीन व्यक्तित्व था उनका, हर हर पार्टी में जो है वो उनके उनको कद्र करने वाले
वाले लोग थे। तो शंकर प्रणब मुखर्जी जो है वो एक एसेट थे कांग्रेस पार्टी के लिए और जाहिर सी बात है इस देश के लिए भी, और उन्होंने जो एक राजनीतिक विरासत छोड़ी है वो समय समय पर निश्चित तौर पर देश में जो है वो याद की जाएगी। जैनेन्द्र आप लगातार हमारे साथ बने रहे। कांग्रेस पार्टी का जिक्र आपने किया तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा कैसे याद कर रहे हैं अपने सीनियर प्रणब मुखर्जी को, जानिए। जब मैं एक नौजवान था और मैं फुल टाइम राजनीति में भी नहीं आया था, उस समय ये मेरे गाइड रहे, मुझे मार्गदर्शन देते रहे, सलाह देते रहे और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मुझे याद है 79 में मेरे से कई दफा बैठ के रात को चर्चा करते थे कि कमल तुम जाके चुनाव जरूर लड़ो। उनकी स्मृति याददाश्त बहुत ही मैं कहूंगा काबिले तारीफ थी। उनको इतिहास का ज्ञान भी था, इतिहास से उनका पूरा संपर्क भी था। तो जैनेन्द्र लगातार हमारे साथ अस्पताल के बाहर से मौजूद है। जैनेन्द्र, गांधी परिवार का खासतौर पर जिक्र होना चाहिए, ऐसे बहुत कम कांग्रेसी हैं जिन्होंने 5G के साथ काम किया है। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रिश्ते चाहे खट्टे हो या मीठे। निश्चित तौर पर कुमकुम, बल्कि आप जो प्रतिक्रिया की बात कर रही थी, मैं कंक्लूड करने में एक चीज मेरे से मिस हो गया, मैं उसको अब चाहूंगा कि मैं रिपीट करूं। ज्यादातर जो नेता हैं वो एक अभिभावक के तौर पर प्रणब मुखर्जी को याद करते हैं और जाहिर सी बात है ये जो पीढ़ी है इस वक्त कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार की, तो सोनिया गांधी के साथ प्रणब मुखर्जी ने एक लंबा काम किया। खासतौर पर बताते हैं कि जब सोनिया गांधी राजनीति में आई तो शुरुआत में कांग्रेस के एक खेमे की तरफ से एक रेसिस्टेंस था उनको लेकर के। उस समय प्रणब मुखर्जी जो है वो खास सिपह सलार रहे हैं सोनिया गांधी के, और सोनिया गांधी को स्थापित करने में प्रणब मुखर्जी की एक अहम भूमिका रही। शायद ये वजह कि 2004 में जब यूपीए सरकार बनी तब भले ही ये कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी का दावा बनता था, हालांकि राजनीतिक चॉइस जो है वो मनमोहन सिंह बने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन 10 सालों के बाद जब राष्ट्रपति बनने का मौका आया तो गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने जो है वो प्रणब मुखर्जी के नाम पर मोहर लगाई और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो संवेदना व्यक्त की है, जाहिर सी बात है उसमें प्रणब मुखर्जी का जो एक विराट कद रहा है राजनीति में और जिस तरीके से उन्होंने योगदान दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो गांधी परिवार जो है वो याद रखेगा। हालांकि राजनीति में एक लंबी यात्रा होती है तो कई खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। राजीव गांधी के साथ जो है वो बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे प्रणब मुखर्जी के, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इंदिरा गांधी उनको बंगाल से लेकर दिल्ली की राजनीति में लेकर के आई और जो नई पीढ़ी है गांधी परिवार की, जो राहुल गांधी, वो भी लगातार प्रणब मुखर्जी से संपर्क में रहते थे। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के, राष्ट्रपति पद के से हटने के बाद भी प्रणब मुखर्जी के आवास पर राहुल गांधी जो है वो लगातार समय समय पर जाते थे और उनसे डिस्कस करते थे विभिन्न चीजों को। जी जैनेन्द्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। कल जब पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन की दुखद खबर आई थी, उस वक्त सबसे पहला रिएक्शन कपिल सिब्बल का भी आया था। कपिल सिब्बल ने किस तरीके से प्रणब दा को याद किया, आप ही सुनिए। उनकी जो मेमोरी थी वो कभी किसी बात को भूलते नहीं थे। अगर उनको आप 1950 की बात याद करवा दो कि भाई उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रेजोल्यूशन रहा तो उनको याद रहता था, किस इलेक्शन में किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली, वो उनको याद रहता था। प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। हमारे साथ जैनेन्द्र जुड़े हुए हैं लगातार अस्पताल से। जैनेन्द्र, जब उनको यहां से ले जाया जाएगा उनके आवास पर तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफी मुश्किल भरा होगा और ये खास तौर पर कोरोना काल में मुझे लगता है कि पहली बार है जब कोरोना का जो प्रोटोकॉल है अंतिम संस्कार के उसमें छूट दी गई है। बिल्कुल विकास जी, थोड़ी बहुत तो छूट और रियायत देनी होगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो निश्चित तौर पर ख्याल रखा जाएगा क्योंकि दर्शनार्थी जो है वो प्रधानमंत्री होंगे अंतिम दर्शन करने वाले, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, तो
पूरा सरकारी अमला मौजूद होगा, निश्चित तौर पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। एक अहम बात इसमें उल्लेख करना मैं चाहूंगा आपकी अनुमति से कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा प्रणब दा का, लेकिन जो अंतिम शव यात्रा होगी 10 राजाजी मार्ग से लोधी रोड स्थित शवदाह गृह के लिए जब उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा तब गन कैरेज में नहीं बल्कि एक किस्म के एम्बुलेंस में जो है वो उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर, कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर। तो जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग होगी, गन कैरेज नहीं होगा, एम्बुलेंस होगा, लेकिन इन सबके बावजूद सबके चहेते प्रणब दा की आज अंतिम विदाई देश देगा, उनके चाहने वाले देंगे। तो जाहिर सी बात है भावनाएं जो हैं वो शायद सोशल डिस्टेंसिंग के आड़े आए जरूर, लेकिन सब कुछ का ख्याल रखते हुए दादा को अंतिम विदाई जो है वो आज देश देगा। तकरीबन 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैनेन्द्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहे और ये भारतीय राजनीति की खूबसूरती और शिष्टाचार होता है कि जब कोई बड़ा कद्दावर नेता जाता है तो पक्ष विपक्ष दोनों एक तरह की बातें करते हैं। कल बीजेपी की तरफ से भी बड़े नेता खुलकर प्रणब मुखर्जी को कैसे याद कर रहे थे, नितिन गडकरी को सुनिए। प्रणब मुखर्जी हमारे लिए गाइड एंड फिलोसोफर थे। व्यक्तिगत रूप से मैं जब से बीजेपी का अध्यक्ष बना तब से उनका और मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते अनेक बार मुझे उनके पास जाने का मौका मिला और स्वाभाविक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समय उन्होंने मेरी बात को सुना और बाद में यही संबंध काफ़ी घनिष्ठ हुए। तो हमारे सहयोगी जैनेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जैनेन्द्र, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि जो कि प्रोटोकॉल भी तय कर दिया गया है, समय भी लगभग तय है कि किस वक्त क्या कुछ किया जाएगा इस बाबत, तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है, कोई भीड़ तो नहीं जुटनी शुरू हुई फिलहाल? शाम के वक्त में भी जब ये खबर आई तो चूंकि किसी को हॉस्पिटल के अंदर जाने की इजाजत थी नहीं, तो इस चीज को समझते हुए शाम के वक्त भी जो है वो कोई वहां पर अस्पताल के बाहर नहीं पहुंचा और ये सूचना साफ तौर पर थी कि अंतिम दर्शन जो है वो अस्पताल में नहीं घर पर होंगे। तो यहां पर फिलहाल जो है वो भीड़ नहीं है कोई भी व्यक्ति, बल्कि मैं सीधे तौर पर कहूं तो नहीं है मीडिया कर्मियों के अलावा। और अब से कुछ देर बाद यहां से पार्थिव शरीर आरआर हॉस्पिटल से, सेना के आरआर हॉस्पिटल से प्रणब दा का पार्थिव शरीर जो है वो 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास के लिए ले जाया जाएगा और तकरीबन 8 बजे के आसपास राजाजी मार्ग पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और 9 बजे से अंतिम दर्शन उनके जो है वो शुरू हो जाएंगे। आप बने रहिए जैनेन्द्र हमारे साथ, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सही आपको बताते हैं प्रकाश जावड़ेकर और गुलाम नबी आजाद ने प्रणब दा को कैसे याद किया। मैंने जब गुरु पूर्णिमा की तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो शिक्षकों के सम्मान के लिए हमारे कार्यक्रम में आए थे, मैंने उनको एक स्लेट भेंट की और उनको वो बहुत अच्छा लगा। हम हमेशा उनसे सलाह लेते थे और वो सिर्फ हम ही को सलाह नहीं देते थे, बहुत सारे दूसरे कुलीग्स को सलाह देते थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर, लीडर ऑफ हाउस के तौर पर जो उन्होंने काम किया है उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। जैनेन्द्र लगातार अस्पताल के बाहर मौजूद है हमारे साथ। जैनेन्द्र, इन दिनों में प्रणब दा की किताब पढ़ रही हूँ, द कोलिशन टाइम्स, उस किताब को पढ़कर एहसास होता है कि विपक्ष में वाजपेयी का दौर हो गठबंधन की राजनीति में या फिर UPA 1 और UPA 2 का दौर हो, पक्ष में रहकर सरकार में रहकर प्रणब मुखर्जी ने हमेशा एक पुल का काम किया, एक लंबा दौर इस देश में गठबंधन की राजनीति बहुत करीब से उन्होंने समझी। बिल्कुल कुमकुम, बल्कि मैं कहूँ तो मेरा अनुभव और अध्ययन दोनों बहुत कम है प्रणब मुखर्जी की यात्रा पर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका जो विजडम था, जो फैसला लेने की जो उनकी ताकत थी, गुत्थियों को सुलझाने की जो उन पर क्षमता थी, वो सब कुछ जो है वो अनुभव से आता है, लंबी यात्रा से आता है और जो प्रतिष्ठा उन्होंने हासिल की वो अद्वितीय है। और जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के तौर पर वो जिस एक राजनेता के तौर पर तो वो उनकी एक कद्दावर छवि रही ही, जाहिर सी बात है प्रतिद्वंदी जो है वो उनसे रस करता होगा, उनके साथी जो होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनके कद से जो है एक अलग ख्याल रखते होंगे, लेकिन हर कोई उनको जो है सर उठाकर देखता होगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद एक अलग किस्म की लोकप्रियता हासिल की प्रणब मुखर्जी ने, खासतौर पर APJ अब्दुल कलाम जिस तरीके से लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए थे उसी तरीके से जो है वो जनता के राष्ट्रपति के तौर
पर प्रणब मुखर्जी रहे, तो चाहे वो विपक्ष की बात रही हो, जब वो कांग्रेस के विपक्ष, जब इंदिरा गांधी का समय हो या फिर राजीव गांधी का समय हो, जब उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, फिर गठबंधन का दौर चला, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में वो विपक्ष में रहे, नरसिम्हा राव के समय में वो सरकार में रहे, और फिर दो कार्यकाल यूपीए का, तो हर तरह विपक्ष में या पक्ष में, मंत्री के तौर पर या सांसद के तौर पर, पार्टी नेता के तौर पर या फिर किसी भी भूमिका में, प्रणब मुखर्जी की का जो है वो 50 सालों का योगदान रहा है। और 50 साल कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन 50 साल अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रोफेशन में अगर 50 सालों का आपका कंट्रीब्यूशन है, और अगर पब्लिक लाइफ में यानी पॉलिटिक्स में आपका 50 सालों का कंट्रीब्यूशन है, यानी निश्चित तौर पर आपकी शुरुआत से लेकर आप अंत तक जो है वो बेदाग रहे, लोगों के प्रति समर्पित रहे, अपने अपने वचन के प्रति पक्के रहे, और इन्हीं चीजों का प्रतिबिंब जो है वो प्रणब मुखर्जी थे, जो तमाम बातें आज अलग अलग तरीके से लोग याद कर रहे हैं। जी जैनेन्द्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रणब मुखर्जी की शख्सियत ऐसी थी कि हर कोई उन्हें आज अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। नेता हो, पत्रकार हो, सबकी उनसे कुछ न कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। कुछ और यादें आपसे साझा कर रहे हैं। अरुण जेटली कॉमर्स मिनिस्टर बने, प्रणब मुखर्जी अपोजिशन लीडर। प्रणब मुखर्जी के घर आए, बोले कि आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि हमको WTO करना है, और हमको ये WTO आपने शुरू किए थे जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, आपने डंकेल प्रपोजल लिए आए थे, WTO आपने शुरू किया था, तो आप मुझे सिखाइए। तो प्रणब बाबू अरुण जेटली को WTO सिखाया, और अरुण जेटली कहते थे ही इज अ ब्रैडमैन ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिक्स। मैंने उनके साथ गवर्नमेंट में काम किया, मैंने उनके साथ पार्टी में काम किया, और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत बहुत मुझे बढ़ावा दिया है। उनके राष्ट्रपति भवन में हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा गान सुनो, गाना उनको सुनना था। तो फिर उसके बाद ना ही सिर्फ उन्होंने इंद्रधनुष के जो वहाँ पे प्रोग्राम होती थी अंदर, जो खूबसूरत हॉल को उन्होंने रिफर्बिश किया था, उस हॉल में ना ही सिर्फ हमने प्रोग्राम किया, बल्कि वहाँ पे बॉलीवुड के गाने गाए, और बिल्कुल उनके सामने मुझे थोड़ी सी ऑब्वियसली एम्बैरेसमेंट मतलब वो हो रहा था, बट हाथ ऊपर करके बाकी जो सब लोग थे उनके लिए मतलब बिल्कुल बॉलीवुड के गाने हम उनके अंदर सुनाए, और बहुत ही धीरज के साथ पूरा बैठ के उन्होंने सुना। पहले पाला प्राकृतिक आपदा में नहीं आता था, ये प्रणबदा ही थे जिनने कहा कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से बना था जिसको हेड प्रणबदा कर रहे थे, और मध्य प्रदेश को उन्होंने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी थी। प्रणबदा हमारे साथ थे, हमारे साथ नहीं है अब बीच में, उनको लेकर लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। जैनेन्द्र हमारे साथ थे, उनको हम शुक्रिया कर रहे हैं। बस 2 मिनट बाद आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल।